हेलो एवरीवन, हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई प्रोफेसर निकिता ओसवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस वेलकम यू ऑल टू आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड योर आई एम फॉर यू पीपल सीएमए इंटर पेपर नंबर 12, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट. अकाउंट्स एंड ऑडिट आपको पता रहेगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट आपका पेपर नंबर 12 है. इसमें आपको अकाउंट्स आता है कितने मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए, और ऑडिट आता है 50 मार्क्स के लिए. तो मैं खास 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 आपके लिए लेके आई हूँ एबीसी एनालिसिस फॉर ऑडिट. एबीसी एनालिसिस फॉर ऑडिट क्यों? क्योंकि अगेन 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 थ्योरी वाला पेपर बहुत टेंशन आता है, पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि टाइप भी करना रहता है तुम लोगों को, राइट? तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एबीसी एनालिसिस. अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, उसमें तीन चैप्टर्स दिए हुए हैं और उसमें सब टॉपिक्स दिया हुआ है. सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने वो सारे टॉपिक्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया है, टॉपिक्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया है, और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मीडियम वाला है, या कौन सा टॉपिक यू नो मतलब देख पढ़ लो, बस उतना ही हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा. वैसे वाले बहुत सारे टॉपिक्स हैं तुम्हारे इसमें, लेकिन क्या ऐसा है कि सी वाला जो टॉपिक रहेगा या ए वाला जो या बी वाला जो है, किसी को भी इग्नोर किया जाएगा क्या? किसी को भी इग्नोर करना नहीं है, राइट? अब हम देखते हैं. एक्चुअली अभी मैं पहले तो ये बताती हूँ एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है. ए फॉर, ए मतलब जहां पे भी मैं ए लिखूंगी उसका मतलब ये रहेगा कि वो चैप्टर या वो टॉपिक हाईली, मतलब हाईली वेटेज रहेगा, उसका हाई वेटेज रहेगा, बराबर है, और उसको मोर टाइम देना पड़ेगा, तुमको मोर टाइम देना पड़ेगा, समझा? बी जो है वहां पे तुम लोगों को मीडियम वेटेज मिलेगा, एंड मीडियम टाइम देना पड़ेगा तुम लोगों को. उसी के साथ साथ सी जो है वहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, लेस वेटेज, लेस वेटेज भी बोल सकते हो, या फिर लेस टाइम भी देना है उसके लिए भी बोल सकते हो. हर बार ऐसा नहीं है कि जिसको लेस टाइम देना है उसका मार्क्स लेस रहेगा, ऐसा हर बार नहीं है. वो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर इसको तुम इग्नोर ही कर दोगे. ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, हर एक टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है. क्योंकि जो तुम्हारा पेपर नंबर 12 है, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और तुम बहुत अच्छे से उसमें स्कोर कर सकते हो. चलो देखते हैं, मैंने जो अलग अलग तुम लोगों को डिवाइड करके दिए हुए टॉपिक्स वो ये है. पहले तो टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार का. ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट. ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स तुमको पता है बेसिकली व्हाट ऑडिट इज ऑल अबाउट, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्वालिटीज, फिर तुम उसका मतलब क्या और टॉपिक्स तुमको जानने जरूरी है जो आगे के लिए काम आएंगे, वो सारे ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स में मैंने डाले हैं. फिर सेकेंड टॉपिक मैंने रखा है ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, नोटबुक, रिपोर्ट एंड एविडेंसेस, जो सारे तुम्हारे ऑडिट के हैं. ये वाला चैप्टर भी तुम्हारा मेन वाला चैप्टर होने वाला है. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एक्सेट्रा. फिर ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से तुम्हारा ये आता है, बराबर है. उसके बाद फिफ्थ टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट. नेक्स्ट है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, दैट इज तुम्हारा कारो वाला. और इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं तो मैं तुम्हारे लिए लेके आने वाली हूँ. सो उस वीडियो के लिए भी वेट करिए, तब तक के लिए इस पे ध्यान दीजिए. आप एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. एंड लास्ट टॉपिक इज मिसलिनियस ऑडिट. तो ये सारे टॉपिक्स को मैंने अलग अलग वे में डिवाइड करके रखा हुआ है. अब अपन लोग देखेंगे कि क्या क्या, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा टाइम देना है, कौन सा थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, देखेंगे. जो फर्स्ट है, फर्स्ट दैट इज ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट जो है, वहां पे तुम लोग बी, दैट इज मीडियम वेटेज रहेगा. क्यों मीडियम वेटेज रहेगा? तुमको क्वालिटीज पूछी जाएंगी ऑडिटर की, बराबर है. तुमको फिर बेसिक प्रिंसिपल्स जो है ऑडिटर के वो पूछे जाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप पास्ट पेपर उठा के देख लो, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड वे में पूछे गए हैं, राइट? फिर आता है ऑडिट एंगेजमेंट प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंसेस, ये भी आता है तुम्हारा बी, दैट इज मीडियम वेटेज के लिए, मीडियम वेटेज के लिए. अब जब मैं तुमको ए वाला कैटेगरी बताऊंगी ना, तब तुमको समझेगा कि इसको बी में क्यों रखा है मैंने, राइट?
फिर आता है अपना इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ये आएगा आपका ए में. दैट इज दिस कंसेप्ट कैरिज वेटेज ऑफ बहुत ज्यादा मार्क्स, हाई वेटेज रखता है और इसको तुमको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये दिमाग में नहीं घुसता है, पता नहीं क्यों ये चैप्टर नहीं घुसता है. एंड आई डेफिनेटली ट्राई फॉर यू पीपल कि मैं चैप्टर को या ये कंसेप्ट को बहुत ज्यादा आपके लिए ईजी करवा दूं. फिर आया क्वालिफिकेशंस, अगेन 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 ए ए ए, ये कैटेगरी जाएगा ए में जाएगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको तो तुम बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना. इंपॉर्टेंट है और उतना ही इजी भी है, मैं सच बताऊं तो उतना ही इजी भी है. तुमको क्या तो लिखना है, पावर्स लिखने हैं, ड्यूटीज देखने हैं, उसके राइट्स देखने हैं, किसको रेम्यूनरेशन मिलता है, कौन देता है, कौन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है, कौन सबसिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें ये चैप्टर में आती है. इम्पॉर्टेंट बट ईजी चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं तुमको बता रही हूँ, तुमको समझ में आता रहेगा जिस हिसाब से मैं तुमको बता रही हूँ तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. नेक्स्ट कंसेप्ट जो अपना आता है वो है कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट. इस चैप्टर में से एक तो क्वेश्चन तुमको आएगा ही आएगा, मैंने इसको रखा है कैटेगरी सी में, लेकिन एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तुम पास पेपर्स कितने भी उठा लो, आई नो ये बार थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो गया है, उस पर भी हम आएंगे, जरूर आएंगे, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऑडिट का पेपर आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, वो भी मैं सब बताऊंगी, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिलहाल आपको जो मैं एबीसी एनालिसिस बता रही हूँ उसको ध्यान से देखना है और उसी के हिसाब से आपको स्टडी करना है. फिर आया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट, दैट इज कारो. अगेन आई टोल्ड यू आई विल बी कमिंग बैक फॉर यू पीपल ओनली एंड यू ओनली यू पीपल, जो अमेंडमेंट्स आए हुए हैं उसके लिए मैं आने वाली हूँ, क्योंकि ये स्पेसिफिक चैप्टर में आपको अमेंडमेंट्स आए हुए हैं. राइट फिर आया मिसलिनियस ऑडिट, जो आपको पता है ये तो अपना फेवरेट रही. अच्छा सॉरी, कारो जो है ये सी में जाएगा और मिसलिनियस ऑडिट मैंने बी में क्यों रखा है, क्योंकि इसका वेटेज रहता है. ऑडिट किसका करो, हॉस्पिटल का ऑडिट करो, थिएटर का ऑडिट करो, इसका ऑडिट करो, उसका ऑडिट करो, ये सारी चीजें इसमें आएंगी. ईजी है लेकिन बच्चे लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है. बच्चे क्या सोचते हैं मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, ऐसे पढ़ लेते एक बार का, फिर सोचते कि कुछ भी लिख लेंगे अपने हिसाब से, कौन तो देखता है क्या तो देखता है, ऐसा नहीं होता है. एग्जामिनर हर एक पॉइंट देखता है. तो ये था तुम्हारा एबीसी एनालिसिस फॉर ऑडिट सब्जेक्ट. एंड आई वुड से डू फॉलो द सेम थिंग, आपको इजी हो जाएगा कि क्या किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम दे सकते हैं, किसको मीडियम टाइम देना है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. एंड सीएम इंटर के स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि 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 आपको वैरायटीज ऑफ वीडियोस, वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोस जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, वो आपको अपडेट्स आते रहेंगे. सब्सक्राइब करो चैनल को एंड डू शेयर, क्योंकि वी बिलीव दैट शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए. और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, जो आपके छोटे छोटे भाई हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो अभी सीएमए फाउंडेशन में पढ़ते रहेंगे, जो एग्जाम देने वाले हैं जून अटेम्प्ट में, जून 2022 में जो सीएमए फाउंडेशन के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे, बराबर है ना, मतलब आप इंटर तो अभी पढ़ रहे हो, आप पास भी हो जाएंगे, तो इवन यू वांट राइट कि आपके जो फाउंडेशन के भाई बहन है वो क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से. इसीलिए ये छोटा सा अनाउंसमेंट है कि 21st of March से हम लोग आ रहे, दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस, AAC टीम इज कमिंग बैक विद सक्सेस बैच सीजन 2, सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाउंडेशन के बच्चों के लिए. सो स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल. बाय बाय.